प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके सामने आता हूँ और पवित्र आत्मा मदद करे, नियंत्रण रखे सारी बातों पे, और यीशु का बलिदान के लिए धन्यवाद ही देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने अपना पुत्र आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए भेजा। मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिया और आज फिर से योना की किताब से है और आज बी पार्ट से मैं बात करना चाहूँगा कि योना परमेश्वर के सामने से भागा और भागना उसके लिए ठीक नहीं था। तो दूसरी बात में हम आते हैं कि आज पद है, छठा पद है योना का, फर्स्ट चैप्टर और उसका सिक्स पद, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब माजी उसके निकट आए आकर कहने लगे, निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। और उसके बाद लिखा है, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हम नाश ना हो। तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। मेरे प्रियो, दोहाई देना परमेश्वर को जागृत करना, या परमेश्वर सोया हुआ तो नहीं, लेकिन हम सोए हुए हैं, पर परमेश्वर को अटेंशन में लेना या परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करना या परमेश्वर का ध्यान हमारी तरफ करना। जब हम जागृत होते हैं, हम अपनी नींद से जब जागते हैं, तब हमारी ओर परमेश्वर ध्यान करेगा। वो कैसे है? जब हम नींद से जागकर उस परमेश्वर को पुकारते हैं जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी सृष्टि की है, जो आपका रचयिता है, जो आपका क्रिएटर है, जो आपको बनाने वाला है, वो आपकी ओर ध्यान करता है। इसलिए योना को माजी लोगों ने जगाया, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? आज भारी नींद में बहुत से लोग पड़े हुए हैं, खास करके मसीही लोग भारी नींद के अंदर हैं, विश्वासी जन भारी नींद के अंदर हैं, सेवक लोग भारी नींद के अंदर हैं, जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें, वो भारी नींद के अंदर हैं। आज दुनियादारी के लोग उसे उठाते हैं, माजी लोगों ने उस नाव के अंदर उठाया। नाव एक किस्म से आपके जीवन की नाव दर्शाती है, जीवन को दर्शाती है। ये नाव जब तक चलेगी जब तक आपके अंदर सांस है, जब तक परमेश्वर चाहेगा। और इस संसार में रहना जरूरी है। मैंने एक बचपन कह रहा हूँ, जब मैं विश्वास में आया तब एक उदाहरण एक संत के द्वारा सुना कि जैसे नाव का पानी में रहना जरूरी है, वैसे हमारा संसार में रहना बहुत जरूरी है, तब तक जब तक परमेश्वर चाहे। और उसके बाद उसने कहा, अगर नाव में छेद हो जाए, अगर उसको समय पर ठीक ना किया जाए, तो नाव के अंदर पानी आ जाएगा और नाव पानी में डूब जाएगी। जब नाव पानी में डूब जाएगी तो आप समझते हैं फिर वो यात्रा के लायक नहीं रहती, उसको खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी, फिर उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। वैसे ही है, अगर संसार एक मनुष्य के अंदर आ गया तो मनुष्य फिर जीवित नहीं रहता। संसार में रहना जरूरी है, संसार में रहना हमारी मजबूरी है, पर संसार को अंदर आना नहीं देना है। अगर अंदर संसार आपके आता है तो आप एक दिन डूब जाएंगे। जैसे नाव के अंदर जब पानी आएगा तो नाव फिर पानी में नहीं रहेगी, पानी नाव के अंदर आ जाएगा और उसको डुबो देगा। नाव रेत पे नहीं चलती है, नाव सड़कों पे नहीं चलती है, नाव पानी में चलती है, पर पानी उसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो पानी के ऊपर रहनी चाहिए। वैसे हम परिस्थिति के ऊपर रहें, समस्याओं को नीचे रखें और उसके ऊपर रहें, तो कभी भी समस्या आपके अंदर नहीं आएगी। जब आप समस्याओं को अपने अंदर ले लेते हैं तब समस्याएं फिर अपना विस्तार करती हैं और गहरी नींद में आपको ले जाती हैं। यहां पर वही है, योना नबी को कहा जाकर संदेश सुना, पर उसने बोला ये बड़ी समस्या भी है और ये परमेश्वर ऐसा करेगा भी नहीं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं क्या करूंगा कि मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। और वो दूसरी जगह चला गया। जब वो दूसरी जगह गया तो मेरे प्रियो क्या हुआ आप जानते हैं, एक बड़ी मछली का मुंह खोल दिया गया उसके लिए, उसके पेट में 3 दिन रात उसको बिठा दिया गया और उसके अंदर रहा। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं वहां पर
वो दोहाई देता है, मेरे प्रियो मछली के पेट में रहना पड़ता है, परमेश्वर के क्रोध में आना पड़ता है। परमेश्वर के विरुद्ध में हम जब भी कोई भी बात करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर अपने रास्ते पर ले आना जानता है वो कैसे लाता है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके साथ ऐसा करे, पर आपको जागृत होना है। जब हम इसे अध्याय में पढ़ते हैं, पहले अध्याय का जो छठा पद पढ़ते हैं, तू भारी नींद में, माझी लोग निकट आते, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, क्या कर सकता है? भारी नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति सपने देख सकता है, भारी नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति थकावट के कारण से दुनिया भर की बातों को सोच सकता है, यह सपने देखता है और सुबह उठकर स्वप्नों को बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है और अपने टाइम को वेस्ट करता है। इसलिए वचन बता रहा है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। अगर आज हम उठते हैं अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो मेरा जो समस्या संसार के ऊपर से चली जाएगी, महामारी खत्म हो जाएगी। पर हम जागृत होने के लिए, उठने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है नीति वचन में क्या लिखा है? मैंने नीति वचन का नोट किया, नीति वचन 24 अध्याय है और उसका 33 पद है और 34 पद भी है। उसमें लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटिया हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी, समस्या आ जाएगी। हथियारबंद मनुष्य की तरह, जैसे हथियारबंद मनुष्य बंदूक लेकर खड़ा हो और सामने एकदम गर्दन पे आपकी बंदूक रख दे और बोला चल निकाल सब कुछ, यही है कंगाली पर। शायद आपके खजाने में कुछ पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, पर हथियारबंद मनुष्य आपको लूट लेगा, ये उसके समान है कंगालपन। सोना, सोने में हमारा घाटा है, सोना नहीं है, लेटे नहीं रहना है, जागृत होना है। और प्रभु चाहता है जितना आप जागृत रहेंगे उतना आप अपने माल की सुरक्षा कर पाएंगे, उतना आप इस शरीर की ना आत्मा की रखवाली कर पाएंगे, उतना आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे अगर आप जागृत रहते हैं। इसलिए यहां पर वचन और भी कुछ बताता है, आलस के कारण, सब उपदेशक में लिखा है, आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती के कारण घर चूता है, घर चीने लग जाता है, पानी गिरने लग जाता है हाथों की सुस्ती के कारण जब हम नहीं करते हैं। यही है सोनेपन का घाटा, यही है सोने से ज्यादा सोने वाला व्यक्ति इस तरीके की जिंदगी में घाटा लेकर आता है। फिर आटे की घटी तो होगी घाटे में, महामारी में आज आटे के पीछे तो लोग भाग रहे हैं, रोजगार के पीछे तो भाग रहे हैं, रोटी की तो तलाश में है। इस योना नबी के कारण से उन लोगों की रोटी रोजी पर लात मारी गई है क्योंकि ये सोया हुआ था। अगर ये जागृत होता और जिस प्रकार से तूफान आया, जिस प्रकार से आंधी आई, जिस प्रकार से नाव डगमगा रही थी, ये बता सकता था कि ये मेरे कारण आई है, इनकी सामग्री को बचा सकता था, लेकिन सोने होने के कारण से उनकी सारी खाद्य सामग्री, जो भी व्यापार की सामग्री थी, उनको फेंकनी पड़ी। और जब फेंकनी पड़ी, जहाज को हल्का उन्होंने किया, फिर भी भारी व्यक्ति, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की बात को ना मानने वाले व्यक्ति के कारण से जहाज अभी भी भारी था। एक व्यक्ति के कारण से भारीपन आ जाएगा, हो सकता वो व्यक्ति आप हो। जीवन की नैया भारी हो रही है, जीवन की नैया आगे बढ़ नहीं रही है, कारण क्या है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? कारण यह है मेरे प्रियो, क्योंकि आप और मैं जागृत नहीं, आप और मैं सो रहे हैं। जब तक सोते रहेंगे इस तरीके की बातें होती रहेंगी। नीति वचन में एक पद और लिखा है, 6 अध्याय में, उसमें लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? और उसके बाद लिखा है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन, ऐसा लिखा है, और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी, लुटेरे के समान, राह के लुटेरे के समान आ पड़ेगी विपत्ति सोने के कारण से। मेरे प्रिय, सोना बंद करो,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप रात को ना सोए, पर आप सुबह मॉर्निंग में उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप उठकर परमेश्वर से पूछें, प्रभु तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, और प्रभु आपकी मदद करेगा। जागृत रहकर आप दूसरे को भी बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं। अगर ये जागृत रहता योना तो शायद ऐसा नहीं करता, शायद इसकी वजह से इन लोगों की, इन्होंने अपने देवता की दुहाई देने लगे, जहाज से में जो व्यापार सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में सो रहा था, उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मेरे प्रिय, आप सोचना, आप और मैं भी गहरी नींद के अंदर पड़े हुए हैं, गहराई में जाकर सोते हैं। प्रभु नहीं चाहता आप गहरी नींद में जाकर सो जाओ। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को इस प्रकार से बर्बाद करें और औरों की सामग्री का नाश हो, औरों के व्यापार का नाश हो। अब आप बोलेंगे पास्टर जी किसकी भी व्यापार की सामग्री का हम नाश कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी आप पर मुझे दी गई है। आप और मैं पास्टर बनना तो चाहते हैं, सेवक बनना तो चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते। सेवक में और सेवा में अंतर है। सेवा करने वाला कभी भी अपने आप को यह नहीं कहता मैं सेवा करता हूं, उसको वो करता है, दुनिया बताती है हाँ ये सेवक है, पर एक जो सेवक बनना चाहता है वो अपने आप को बताता है कि मैं सेवक हूं पर सेवा नहीं करता। ये घाटे का सौदा है। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या सेवक बन रहे हैं। योना नबी सेवक था पर सेवा करना नहीं चाह रहा था, परमेश्वर को जानता था पर मानता नहीं था। अगर ये मानता होता तो सीधा नीनवे को जाता, ये नीनवे को नहीं गया, ये कहां गया, तर्शीश को गया। अगर ये सही सेवक होता, जानकारी आपके पास बहुत होगी सेवक होने के नाते, पर सेवा आपकी जिंदगी में नहीं होगी क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे होंगे। सेवक का टाइटल आपके माथे पे लिखा होगा, मैं सेवक हूं, मैं पास्टर हूं, पर आप सेवा नहीं कर रहे होंगे। प्रियो सोचिए कि आपको सेवा करना है या सेवक बनना है, टाइटल रखना है या कोई और आपको कहे कि वाकई ये दिल से सेवा करता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो सेवक का नाम लेकर नहीं चलते हैं पर सेवा करते हैं, जो अपने आप को पास्टर कहलाना पसंद ही नहीं करते हैं। भाई ब्रदर इतना ही काफी है, पर उनका काम दिख चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है, किसके कारण पड़ी है, तब उन्होंने चिट्ठी डाली। मेरे आजीजो योना पे उन्हें शक नहीं था, लेकिन वो सोचने लगे कि शायद हमारे में से कोई पापी मनुष्य है, हो सकता है हमारे में से कोई विरोधी मनुष्य है, हो सकता है हमारे में से किसी ने कोई अपराध किया है, शायद हम जान ले कि ये यात्रा हमारे लिए ठीक है ये नहीं है। लेकिन उन्होंने चिट्ठी डाल ली और उसमें गुनाहगार कौन निकला है, योना। और आगे हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, चिट्ठी योना के नाम पर निकली और उन्होंने उससे कहा हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तेरा गोल क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है, किस देश का और किस जाति का है। मेरे प्रिय ये पद बड़ा प्रिय है, आपसे भी सवाल करते हैं, दुनियादारी करते हैं, तू कहां से आया है, क्या करने आया है, किस देश का है, कौन सी जाति का है। आपको पुरानी जाति बतानी पड़ती है क्योंकि आप इस जाति से अभी तक मेल नहीं खा रहे हैं, हम मसीह के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, हम मसीह आपके अंदर नहीं आए और मसीह को आप पहन नहीं पाए, मसीह जैसा स्वभाव आपके अंदर नहीं होता है, मसीह जैसी बातचीत आपके अंदर नहीं रहती है। इस कारण से मेरे प्रियो आपके के लिए दूसरा व्यक्ति सवाल करता है कि आप कौन सी जाति के हैं, कहां से आए हैं, आपका क्या विले है, विषय है, आपका क्या उद्यम है, आपका क्या गोल है, आपका क्या काम है। यहां पर आप पढ़ते हैं तेरा क्या उद्यम है, तू कहां से आया है, तू किस देश का है,
और किस जाति का है? यही सवाल आपसे होगा, यही सवाल हमसे होता है। इसी कारण से आपको और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, यही कारण होता है। प्रियो, कोई सवाल आपसे करे उससे पहले आप परमेश्वर के साथ जुड़े, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अच्छा बनाए। दुनिया में आपको कोई अच्छा समझे या ना समझे, आप परमेश्वर के विरुद्ध में ना चले। ये सब बातें पूछने का कारण यही हुआ, जब इसने टिकट लिया, जब इसने यात्रा का भाड़ा दिया, तब इससे कोई सवाल नहीं पूछा, कौन सी जाति का है, कहां से आया है, कहां को जाना है, कौन से देश का है, किसको मानता है, धर्म क्या है, कोई सवाल नहीं किया। सवाल तब उठे जब इन लोगों पर इसके कारण से विपत्ति आई, जब मेरे कारण से और आप लोगों के कारण से, जब हम मसीह होने के नाते जो हमें करना चाहिए हम नहीं करते हैं, विपत्ति आती है, तब आपके ऊपर सवाल खड़ा किया जाए, ये विपत्ति क्यों आई, तू कहां का है, कौन से देश का है, तेरा विषय क्या है, किस जाति का है, ये सवाल आपसे और मुझसे पूछा जाएगा। जब तक हम भारी नींद में पड़े रहेंगे उठेंगे नहीं, दुनियादारी के लोग आपको जागृत करेंगे, दुनिया के लोग आपको उठाएंगे, उठ भाई क्या कर रहे हैं आप, तेरा विषय क्या है, क्या चाहता है, तभी बता पाएंगे आपको जागृत करने के बाद। आप जाग जाओ, आप समझ जाओ, आप अभी भी समय बाकी है, आपको जागृत होना है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। आगे बढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है, उसने कहा मैं इब्री हूं, मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, मैं इब्री हूं। आप भी कहेंगे मैं विश्वासी हूं, आप ये भी जानते होंगे मैं विश्वासी हूं और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। जब आप प्रार्थना करते बोला हे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, ऐसे ऐसी प्रार्थना करते हैं आप, लंबी चौड़ी भयानक भयानक शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में, पर आप उस परमेश्वर की बात मानते नहीं। यहां पर लिखा है, बता रहा है, उसने पूछा तू कहां है, कहां से आया, कौन है तेरा परमेश्वर, ये सारी बात मैं बता चुका हूं। कहता कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा जिसको मानता हूं, वो है जो जल और स्थल का रचियता है, उसने बनाया, स्वर्ग को बनाया, उसने जल को बनाया, थल को बनाया, और उसी का भय मानता हूं। क्या ये भय मानता है, इसी बातों से लगता है ये भय मानता है। भय मानने वाले तो अपना सामान फेंक रहे हैं, भय मानने वाले तो अपने प्राण को बचा रहे हैं, भय मानने वाले तो अपने अपने देवता की दुहाई दे रहे हैं। क्या आप और मैं वाकई में परमेश्वर का डर मानते हैं, क्या वाकई में हम परमेश्वर का भय मानते हैं? अगर आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं तो मेरे प्रियो, क्यों नहीं हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं? पर आपकी डर आपकी बातों में है, सिर्फ जिंदगी में नहीं, प्रार्थना आपकी बातों में है, दिल से नहीं। जब तक दिल से प्रार्थना नहीं होगी, जब तक आप परमेश्वर को अपने मुक्तिदाता के रूप में नहीं मानते हैं, तब तक बात नहीं बनेगी। बात बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपके होठ सिर्फ यही बात कहने के लिए तैयार हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च जाता हूं, मेरा पास्टर का नाम ये है, मैं उसका विश्वासी हूं, वहां मेरा लेन देन चलता है, मैं वहीं जाता आता रहता हूं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर के साथ भी आपकी वार्तालाप है, क्या परमेश्वर के साथ भी आपका रिश्ता है, क्या परमेश्वर के साथ भी आप अपना समय बिताते हैं, क्या सिर्फ आपके शब्द ही ये सब कहते हैं कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है? वो है, कोई शक नहीं, नो डाउट, पर डाउट आपके ऊपर है। क्या तू सच में कह रहा है ये बात कि तू परमेश्वर का भय मानता है? यहां पर जब योना ने इस प्रकार से कहा, हम पढ़ते हैं, उसने कहा मैं इब्री हूं, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। तब वो बहुत डर गए, वो पहले अपने देवता से डरे हुए थे, पहले अपने प्राण बचाने के लिए मेहनत और मकसद कर रहे थे, पहले वो अपने इस चीजों से जूझ रहे थे, पहले वो सारी बातें कर रहे थे, ऊपर से जब सच्चे परमेश्वर का नाम इसने लिया कि मैं इब्री हूं, मैं उस परमेश्वर का भय मानता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तब वो और डर गए, क्योंकि सच्चे परमेश्वर का नाम उनके सामने पहुंच गया है, वो और डर गए। लेकिन आप नहीं डरे, अन्य जाति के लोग डर रहे हैं पर आप नहीं डर रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि बुरा नहीं माना मेरी बात का, जैसे लोहार का कुत्ता आग के पास बैठता है और कोई से आग से डराने लगे तो लोहार का कुत्ता बोलता है, मेरे स्वामी रोज आग का काम करता है और मैं उसके पास बैठता हूं तो मुझे आग से डर नहीं लगता। वैसे ही लोगों को डर नहीं लगता जो परमेश्वर के साथ रहने की बात करते हैं, नाम तो लेते हैं लेकिन उसका काम नहीं करते हैं। आप और मुझे काम करना है नाम के साथ, तभी नाम दुनिया जान लेगी कि यह परमेश्वर का है, यह खुदा का है, यह उस सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु का बंदा है जो दिल से कार्य करता है, जो तर्स खाता है। आप और मैं शायद इस बात को जानते नहीं हैं, हमें जानने की जरूरत है। योना ने बताया, वो लोग डर गए। आगे पढ़ते हैं, और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? अगर तुझ परमेश्वर का बंदा है तो तूने ऐसा क्या किया है? यह क्या किया है, यह क्या करने का मतलब क्या था? उनकी सामग्रियां फुकवा दी, आंधी तूफान ले आया, नाव डगमगाने लगी, सब कुछ योना की वजह से हुआ। मैं इस बात के लिए अपने आप को गुनहगार मानता हूं कि कई विपत्तियां हमारे कारण से आती हैं, कई दुख दर्द हमारे कलीसिया पर, चर्च पर, लोगों पर हमारे कारण से आते हैं, क्योंकि हम उस समय पर उसके साथ नहीं बिताते। आपको और मुझे उस समय बिताने की जरूरत है मेरे प्रिय। और आगे पढ़ता हूं, वे जान गए कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है। अन्य जातियों ने जाने कि यह परमेश्वर के सन्मुख से भाग आया है। आज अन्य जाति आपको परमेश्वर के सन्मुख से भगाने की कोशिश में है। ये डर गए कि ये भाग कर आया है, इस कारण से दुख आया है। पर आज संसार के लोग आपको इस देश से भी, घर से भी, और इस धर्म से भी, इस परमेश्वर से भी, इस प्रभु से भी भगाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं और लौटाना चाहते हैं कि मान ना छोड़ दो, क्योंकि वो आज डरने वाले नहीं है। आज आपको डरने की जरूरत है कि अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं रहा तो दुनिया के लोग मुझे जगाकर, उठाकर, भगाकर मार देंगे, खत्म कर देंगे, कारण क्योंकि मैंने अपने समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताया। यहां पर लिखा है, वे बहुत डर गए और उसे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उन्हें बता दिया था। आप ही आप बताएंगे, उसने बता दिया था। पूछ रहे हैं, हम तेरे साथ क्या करें? यहां पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि उसने क्या कहा है, 11वां पद है, उसने पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम क्या करें? इन्होंने उससे पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, आपको मुझे क्या करना है कि ये समस्या चली जाए और जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए? आप और मैं क्या करें? मैं आपके सामने सवाल रखता हूं कि किस तरीके से हम अपने परमेश्वर के साथ ऐसा कर सकते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ नाता जोड़ सकते हैं? आपके सामने सवाल है। उन्होंने पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? मैं आपसे कहता हूं कि हम अब क्या करें परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर के साथ रहते हम क्या, हमें क्या करना है? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ, फिर से कहता हूं, अपने समय बिताना है, परमेश्वर की आज्ञा से कभी नहीं भागना, परमेश्वर के कामों से कभी नहीं भागना, परमेश्वर के प्रेम को दिखाने से कभी नहीं मुड़ना। परमेश्वर ने प्रेम दिखाया अपना पुत्र देकर, हम अपना आपको परमेश्वर के साथ देकर अपना प्रेम दिखाएं और उसके साथ समय बिताएं परमेश्वर से, नहीं तो दुनियादारी आपको एक दिन निकालेगी, फेंक देगी उठाकर, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में आप चलते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध में ना हो, परमेश्वर के साथ हो, और परमेश्वर के साथ कार्य करें, परमेश्वर आपके साथ कार्य करें, प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर जितने मुझे देख रहे हैं सबको तू आशीष दे, सबके जीवन में चमत्कार कर, और सारे रोग, सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम में जाए, आप छुए, स्वस्थ करें, और आपका पवित्र नाम इनकी जिंदगी में आशीष पाए। मैं तेरे हाथ में तेरे बेटे बेटी को सौंपता हूं, और प्रभु सारी समस्या चली जाए, और इनके प्रत्येक बेटा बेटी की जरूरत यीशु के नाम में पूरी हो जाए। तेरे हाथ में देता हूं, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।